तो यहाँ से हमने चालू किया था, हमारा लेक्चर नंबर 5 है सिग्नल सिस्टम का, जिसमें आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था लास्ट क्लास में बेसिक फंक्शंस के बारे में। तो यूनिट स्टेप फंक्शन यू ऑफ टी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई 1 for t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर t का वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो इसका वैल्यू 1 आएगा, अदरवाइज 0। ठीक है जी। और ये माइनस ऑफ t क्या हो जाएगा इस तरीके से, t लेस देन 0 के लिए 1, अदरवाइज 0। और u ऑफ t और u ऑफ माइनस t को ऐड कर देंगे तो 1 मिल रहा है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ t। इस तरीके से तो ये वैल्यूज जो है आगे बढ़ रही हैं, 0 से लेकर पूरा अनंत तक के लिए, इन्फिनिटी के लिए वैल्यूज आगे बढ़ रही, आप देख पा रहे हैं। ठीक है ना जी, यहाँ तक। उसके बाद मैंने बताया था सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को कैसे डिफाइन किए थे कि -1 फॉर टी इज लेस देन 0, फिर ग्रेटर देन 0 के लिए यही जो है प्लस होता था। एप्लीकेशन कहाँ था, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म में सिग्नम फंक्शन यहाँ पर बता दिया था। और सिग्नम ऑफ माइनस टी क्या होता है, जस्ट उल्टा। तो ये क्या है जी, इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है सिग्नम फंक्शन, बताएंगे, ऑड फंक्शन है। ठीक, उसी तरीके से मैंने बताया था किसी भी सिग्नल का आपको अगर इवन पार्ट चाहिए तो एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइड बाई 2 करना है, ऑड पार्ट एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइड बाई 2 करना है। अभी सीखेंगे इसको। इसे बोलते हैं इम्पल्स फंक्शन डेल्टा ऑफ टी। तो इन्फिनिटी फॉर टी इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर अदरवाइज, तो ये बताया था मैंने टी इक्वल टू जस्ट 0 के लिए इसका वैल्यूज इस तरीके से हुआ करते थे। इसके बाद आइडियल हो गया, और प्रैक्टिकल के लिए इसका वैल्यू कहाँ पर लिमिट करते हैं हम लोग, 1 पे। तो यूनिट इम्पल्स फंक्शन डेल्टा ऑफ टी हमने देखा था 1 फॉर टी इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। गेट फंक्शन, इसका एरिया ऑलवेज क्या होगा जी, एरिया ऑलवेज 1, और ये क्या है, इवन फंक्शन। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इम्पल्स फंक्शन डेल्टा टी इज इवन फंक्शन, डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा माइनस टी, इसका एरिया हमेशा क्या होगा जी, 1 होगा, याद रखेंगे, इसका एरिया ऑलवेज 1 होगा। इसका डेल्टा टी, अब किसी सिग्नल को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, केवल कहाँ पर रहेगा, एक्स ऑफ 0 पर, इसके बारे में विचार करेंगे आगे। उसके बाद बताया था मैंने दो प्रॉपर्टीज, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताया था, लेफ्ट शिफ्टिंग और राइट शिफ्टिंग। अगर मैं माइनस कर रहा हूँ, डिले कर रहा हूँ, इसको डिले बोलते हैं, डिले ऑफ सिग्नल इसी बोलते हैं, इसको एडवांस करना, एडवांस सिग्नल। ठीक है जी, डिले और एडवांस याद रहेगा, डिले धीरे कर रहा है मतलब डिले, जल्दी कर रहा है मतलब एडवांस। ठीक, ऐसा चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या बताया था, डबलेट फंक्शन। डबलेट फंक्शन किसको बोलते हैं जी, डेल्टा टी का जो डेरिवेटिव है उसको बोलते हैं डबलेट फंक्शन। और ये क्या होगा, ये हमेशा ऑड फंक्शन होगा। याद रखेंगे किसी भी इवन सिग्नल का, किसी भी इवन सिग्नल का अगर इंटीग्रेशन करेंगे या फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऑलवेज क्या होगा, वो ऑड फंक्शन आएगा, याद रखेंगे जी इसको। अगर इवन फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, चाहे समाकलन करेंगे एक सम फलन का, तो एक विषम फलन आएगा, ऑड फंक्शन आएगा, याद रखेंगे सब चीज़ों को। ठीक, तो किसी भी इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इज ऑलवेज ऑड फंक्शन, याद रहेगा। ठीक, तो कुछ चीज़ें जो बोल रहा हूँ उसको सब बातों को याद करके रखेंगे। उसके बाद बताया था रैंप फंक्शन, ये है रैंप फंक्शन। इसे पूछ रहा था योगांश तुमसे कि t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए इसका वैल्यू t आ रहा है, 0 अदरवाइज, ठीक है ना, दैट इज यूनिट रैंप, इसका स्लोप 1 होता है। नेक्स्ट होता है, याद रखने वाला बताया था ट्रिक, कि
जब भी रैंप फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे स्टेप फंक्शन मिलेगा, यू ऑफ टी स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे इंपल्स फंक्शन मिलेगा, इंपल्स फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे क्या मिलेगा जी, डबलेट कटलेट डबलेट ठीक। उसके बाद क्या था, मैं इसका चित्र के फॉर्म में बताया था कि रैम का डेरिवेटिव करने से स्टेप, स्टेप का डेरिवेटिव करने से इंपल्स, इसका इंटीग्रेशन करने से क्या स्टेप, इसका इंटीग्रेशन करने से रैम, जस्ट उल्टा। चलिए यहां तक क्लियर है सबको, बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक मिनट ना। चलिए तो देखिए, मैंने बताया था सिग्नल्स, इसमें सिग्नल के बारे में मैंने बताया था कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन विच कॉल्ड सिग्नल और फंक्शन विच कंसिस्ट सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। सिग्नल इज एन फंक्शन विच कंसिस्ट वन और मोर वेरिएबल, दिस वेरिएबल्स मे बी टाइम और स्पेस। इसमें हम एक वेरिएबल होता है केवल टाइम का होता है, मैंने बताया था वन वेरिएबल टू वेरिएबल करके बताया था जी, तो केवल एक वेरिएबल हो गया तो टू वेरिएबल हो सकता है, इसमें इंफॉर्मेशन रहता है हमारे पास, जानकारी रहती है। जैसा कि देखिए एक सिग्नल क्या होगा, हमारा मंथली सेल्स ऑफ कॉरपोरेशन, जैसे आपके घर का जो मंथली खर्च है वो भी एक प्रकार का सिग्नल है, इंफॉर्मेशन है। डेली क्लोजिंग प्राइस ऑफ स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट का प्राइस कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, जैसे ये स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट वाला है। वेदर फोरकास्टिंग, वो भी क्या है एक सिग्नल है ना जी, ठीक, ये इंफॉर्मेशन है सिग्नल से। सिग्नल्स बताया था, कंटिन्यूअस सिग्नल डिस्क्रीट सिग्नल बताया था, कैसे जी बताया था सब, कंटिन्यूअस सिग्नल और डिस्क्रीट सिग्नल, इट्स कंटिन्यूड सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पर वेरी हो रहा है, इस तरीके से हमने देखा था। इस तरीके से डिस्क्रीट सिग्नल बताया था, डिस्क्रीट सिग्नल्स, डिस्क्रीट सिग्नल हमने देखा था, ये डिस्क्रीट सिग्नल है, ये सब बता चुका हूँ सब। केवल किसमें रहेगा जी ये डिस्क्रीट सिग्नल, इट्स डिफाइंड इन द फिक्स्ड टाइम इंटरवल्स ओनली इंटीजर वैल्यूज, बताया था मैंने कि 0, 1, 2, 3 इंटीजर वैल्यूज पे होता है, क्लियर है ना, इतना बताया था ना। जैसे कि x ऑफ n, 1 फॉर n लेस देन इक्वल टू 5, फॉर दिस एनालिसिस वी यूज जेड ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर क्या यूज करते हैं हम लोग, जेड ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं, इसके लिए हमको सैम्पलिंग की जरूरत पड़ती है, सैम्पलर की जरूरत पड़ती है। सैम्पलिंग इट इज़ अ प्रोसेस विच वी कन्वर्ट कंटिन्यूअस सिग्नल टू डिस्क्रीट सिग्नल्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सैम्पलिंग। जैसे देखो ध्यान से शिवानी, खाना बनाथस कि नहीं बनास, तो जो सब्जी रहता है उसको चॉप करते हो कि नहीं, काटते हो कि नहीं, किसमें काटते हो, चाकू में, तो ये सिग्नल है तुम्हारा, सिग्नल को काटने का है सैम्पलर, सैम्पलिंग, वो काट देता है छोटे छोटे इनवर्ट इंटरवल में, आए समझ में, उसको बोलते हैं सैम्पलर। समझ पाए सभी लोग सैम्पलिंग क्या है, काटना ठीक छोटे छोटे टुकड़ों में, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग, सैंपल। जैसे देखो अगर तुम लोग फूड इंस्पेक्टर बन गए या फिर और कोई जॉब में पहुंच गया है ना जिसमें इंस्पेक्शन करना है, तो सैंपल लेते हैं नहीं, जैसे होटल में पहुंच गए मिठाई खा दे है ना, सैंपलिंग ले तो करके मिठाई ले जाता करता कि नहीं जी, सैंपल दिखा एक तो होटल खा देता कर, सैंपलिंग इसी बोलते ठीक है ना जी, सात्विक ऐसे करता कि नहीं, एक तो खा दे सैंपल दिखाया रेक्टो करके मने लागे दिला, हाँ मैं सब क्रिकेट खा लेता था, भाग जाओ कर ले नहीं लोगे ठीक। चल नेक्स्ट,
व्हेन फोल्डिंग. अब देखो नेक्स्ट ये चीज सीखना है, फोल्डिंग, फोल्डिंग ऑफ द सिग्नल. फोल्डिंग मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. फोल्डिंग, स्केलिंग, यही सब प्रॉपर्टीज को यहां पर हमको सीखना है. फोल्डिंग का मतलब क्या है देखिए ध्यान से, समझ में आ रहा है इसमें कॉपी में? इसमें हम लोग कम समय में ज्यादा चीज पढ़ पाएंगे, है ना जी. इसमें बनाना, ड्रॉ करना नहीं पड़ेगा मेरे को, समझ में आ रहा है जी. बाकी सबको क्लियर है राइटिंग, दिख रहा है? चलो देखो यहां पर इस तरीके से जो सिग्नल है, ये सिग्नल दिख रहा है आपको, एक सिग्नल दिख रहा है ना, ये सिग्नल है. इसमें इस तरीके से बना हुआ है ये सिग्नल, दिख रहा है सिग्नल. अब इसको मेरे को फोल्ड करना है, पलटना है. तो इसको हम ऑपरेशन लगाते हैं, ये वाला ऑपरेशन माइनस ऑफ टी या माइनस ऑफ एन. तो जो टाइम प्लस टू से चालू होने वाला था, अब इसको फोल्ड कर देंगे तो कहाँ चलोगा जी, माइनस टू से, ठीक है ना, समझ पाए. तो ये जो प्लस टू से चालू हो रहा था, अब कहाँ चलोगा, माइनस टू से, समझ पाए सभी लोग. फोल्डिंग क्या होता है, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा. मतलब बोल सकता हूँ, देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पर मेरा सिग्नल राइट में था, लेफ्ट में नहीं था, तो ये राइट में चला गया, लेफ्ट में हट गया. तो राइट टू लेफ्ट शिफ्टिंग, इसको बोलते हैं हम लोग फोल्डिंग या फोल्डेड सिग्नल, या इसी क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम रिवर्सल. क्लियर हुआ सबको? हाँ, मतलब दोनों तरफ, अगर इधर सिग्नल होगा तो इधर आ जाएगा, समझी सवानी. हाँ मतलब दोनों, लेफ्ट भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, है ना जी. इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है. जैसे मेरा सिग्नल लेफ्ट में है तो कहाँ चला जाएगा, राइट में, समझ पा रहे हो. राइट में रहेगा वो, लेफ्ट में, ठीक है शिवानी. अरे नहीं समझ पा रही, मैं इसके थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, समझ पाई. इन जनरल मतलब किसी दूसरे सिग्नल के लिए, किसी के लिए नहीं, है ना. फोल्डिंग में लेफ्ट और राइट बस शिफ्ट होगा सिग्नल. क्लियर हुआ? अब क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं. जैसे देखो ये सिग्नल है मेरे पास, देखिए ये देखो, ये जो पोर्शन है ये कहां पर था जी, कौन सा साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में है. तो देखिए ध्यान से, यहां पर जो सिग्नल है इस तरीके से था, अब ये सिग्नल फोल्ड किया मैंने इसको तो कहां पर पहुंच गया, राइट साइड में. और ये जो राइट साइड में जो सिग्नल था वो कहां पहुंच गया, लेफ्ट साइड में. अब समझ में आया शिवानी क्या बोलना चाह रहा था मैं? हाँ ठीक, तो लेफ्ट राइट में, राइट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं टाइम शिफ्टिंग या फिर टाइम फोल्डिंग. तो हमने क्या सीखा इससे, कि अगर कोई सिग्नल है जो कि मेरा, देखो एक और है ऊपर, जैसे देखो ये सिग्नल था मेरा, ये सिग्नल इस तरीके से, ये सिग्नल था. अब इसको मैंने टाइम रिवर्सल किया, ऑपरेशन परफॉर्म लगाया, तो ये जो निगेटिव पोर्शन है यहाँ पर चला जाएगा, और ये जो निगेटिव पोर्शन है वो कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा. तो ये मेरा सिग्नल इस तरीके से बन गया, ऐसा हमने समझ पाए जी. इस तरीके से ये सिग्नल बन गया ग्रीन वाला, रेड वाले को मैंने फोल्ड किया तो क्या बन गया, ग्रीन वाला सिग्नल बन गया.
समझ पाए सब लोग? इसको बोलते हैं हम लोग फोल्डिंग। तो इसको मैं कंक्लूड कर देता हूं फाइनली कैसे हुआ। सो वी कंक्लूड हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो किसमें चला जाएगा जी? सेकंड में, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ में, फोर्थ थर्ड में इंटरचेंज। ठीक है, समझ पाए सब लोग? ये जो सिग्नल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये नोट भेजूंगा चिंता मत करो, ये जो सिग्नल है आपका जो सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी सिग्नल रहेगा वो फर्स्ट में चला जाएगा और जो थर्ड में है वो फोर्थ में। ठीक है जी, क्लियर? आगे बढ़े। चलो देखो यहां पर भी सीख जाओ इसको। देखो यहां पर डिस्क्रीट सिग्नल है, तो अगर ये आपको दिया है 1 2 3 इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा? इसका शिफ्ट करेंगे तो -1 -2 -3 में चला जाएगा। आप क्लियर ओम प्रकाश? चलिए यहां तक क्लियर हो गए। दैट इज कॉल्ड फोल्डिंग और टाइम रिवर्सल। अब देखो टाइम इन्वर्जन क्या है? उल्टा करना, उल्टा करना। ठीक, हिंदी बोलूं तो शॉर्टकट भाषा में, जैसे एक्स टी कोई सिग्नल हमारा डिफाइंड है, तो माइनस ऑफ एक्स टी हमारा जो सिग्नल है वो क्या होगा? इन्वर्टेड सिग्नल होगा। जैसे कि अगर मैं यहां पर बोलूं इस तरीके से, ये जैसे कि ये मेरा सिग्नल था, कौन सा सिग्नल है जी ये बताएंगे? कौन सिग्नल है? स्टेप सिग्नल है। ये हमारा है स्टेप सिग्नल जो कि इस तरीके से चल रहा था, इस तरीके से गया ये इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है? एक एक्स टी मैंने सिग्नल लिया जो कि क्या था? यू ऑफ टी था। अब मेरे को चाहिए इसका इन्वर्टेड सिग्नल, मतलब मेरे को चाहिए क्या? माइनस ऑफ एक्स टी। तो जहां जहां वैल्यू इसकी प्लस थी वो हो जाएगी माइनस, ऐसा समझ में? तो ये जो सेम सिग्नल है वो यहां तो सेम रहेगा, जीरो तो जीरो ही रहेगा हमेशा, लेकिन जैसे ही इसका मैं टाइम इन्वर्सन करूंगा तो ये जो सिग्नल है ये इन्वर्ट होके इस तरीके से चेंज हो जाएगा। आया समझ में सबको कैसे चेंज हुआ? आया जी समझ में? शिवानी, तो अभी हमने ऐसे फोल्ड किया ऊपर से नीचे, इसे बोलते हैं इन्वर्जन या इन्वर्टेड सिग्नल या टाइम इन्वर्जन बोलते हैं। इन्वर्जन अलग चीज होता है, रिवर्सल अलग चीज होता है। तो इसमें क्या होगा जी? जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो कहां पर शिफ्ट हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होंगे। समझ पाए सब लोग? तो ये था हमारा सिग्नल, ये हमारा, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखिए ये आप यहां पर देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से, जैसे ये मेरा सिग्नल है, ये आपको सिग्नल दिख रहा है, ये ए ऑफ टी था इस तरीके से। तो हम इसका क्या करेंगे? टाइम सेम रहेगा, बस जो मैग्नीट्यूड है वो बदल जाएगा, माइनस ऑफ एटी। आया समझ में? तो ये होता है हमारा, ये एक्स ऑफ टी है तो ये होगा माइनस ऑफ एक्स टी। क्लियर हो गया सबको कैसे जी? ठीक।
आगे बढ़ते हैं। चलिए ये कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है जी बताएंगे? हाँ गेट फंक्शन है, उसको क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखो ध्यान से, जो ये गेट फंक्शन है ये इस तरीके से बना हुआ था, इसको हम क्या कर रहे हैं, इन्वर्जन कर रहे हैं, तो कैसे हो जाएगा इस तरीके से, सेम चीज़ नीचे में बनेगा, आप समझ पा रहे हो धीरे धीरे तुम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस में नहीं था इसलिए नहीं समझ पाए, सिलेबस में होता तो समझ जाते है ना जी, ठीक समझ पाए आप, क्लियर सबको, इजी है ना, कठिन तो नहीं लग रहा है, उल्टा सीधा बस तो कर रहे हैं है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, तो ये जो सिग्नल है ऊपर का नीचे हो गया और नीचे का ऊपर हो गया, ठीक है ना जी। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या समझा हमने, तो ये कंक्लूजन लिखना है इसको फाइनली, कंक्लूजन हमने क्या कंक्लूजन देखा, यहाँ पर सेकेंड थर्ड और फर्स्ट फोर्थ ऐसा हमने, सबको क्लियर है बताएंगे जी, क्लियर है सबको, नोट्स भेजूंगा इसको बना लेना अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम शिफ्टिंग मैंने बताया था अभी, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट बताया ना, टाइम शिफ्टिंग बताया था मैंने, देखो एक्स ऑफ टी अगर डिफाइंड सिग्नल है तो एक्स ऑफ टी टी प्लस माइनस टी नॉट टाइम शिफ्टेड सिग्नल होगा, जिसमें जो एक्स टी माइनस टी नॉट है उसको बोलते हैं डिलेड सिग्नल, या उस राइट शिफ्ट कल ही बताया हूँ, और एक्स ऑफ टी प्लस टी है इसको एडवांसमेंट ऑफ सिग्नल बोलते हैं, लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं टी ग्रेटर देन जीरो में और टी लेस देन जीरो में, ठीक है बताया था ये सब। चलो एक बार देख लेते हैं फिर से, यहाँ पर देखिए अगर ये मेरा सिग्नल है एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टी सिग्नल था ये, अब मेरे को इसको क्या करना है, एक्स ऑफ टी माइनस वन निकालना है, तो क्या हो कर रहा हूँ जी यहाँ पर मैं, डिले कर रहा हूँ कि एडवांस कर रहा हूँ बताइए, डिले कर रहा है, देखो टाइम, हाँ पहले टी था अब टी में तीन की कमी आ रही है, जो डिले हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं जो सिग्नल जीरो में स्टार्ट होने वाला था वो कहाँ से स्टार्ट होगा जी, अब थ्री से स्टार्ट होगा, वेरी गुड है ना, इस तरीके से सिग्नल था, अब ये सिग्नल तीन से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, पास तक, वेरी गुड। चलिए उसके बाद टाइम जो शिफ्टिंग है अगर उसी को प्लस करेंगे तो क्या होगा जी, एडवांस होगा कि डिले होगा भैया, एडवांसमेंट होगा, ठीक है सात्विक, ये राइटिंग समझ में आ रहा है ना, उस टाइम मैं सो गया था शायद लिखते लिखते, टी जीरो है ना, ठीक वहाँ ना 12 घंटा क्लास लगे, कै घंटा 12 घंटा यानी सात्विक, तो मैं आँख खोल के सो जाता था, नया टेक्निक निकाला था, क्लास में देख रहे लेकिन सो गए, एक्स ऑफ टी टी प्लस वन तो यहाँ पर माइनस से चालू होगा, ये सब चीज़ें देख, टी इक्वल टू जीरो पर पहले जीरो था, अब टी इक्वल टू जीरो पर टू था, अब टी से टी प्लस थ्री कर रहा हूँ तो यहाँ से टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस थ्री, और टी प्लस थ्री इक्वल टू टू कर रहे हैं, दोनों को बराबर करेंगे तो माइनस वन हो गया, समझ पाए आप लोग सब लोग, चलो नेक्स्ट, टाइम शिफ्टिंग डिस्क्रीट में भी
सेम चीज है डिस्क्रीट में भी, डिले और एडवांस। बस यहाँ पर डिस्क्रीट में क्या होगा जी, इस तरीके से वैल्यूज रहेंगे, है ना। जैसे ये मेरा सिग्नल था पहले 0 पर 1 पर और 2 पर, अब इसको डिले करूँगा तो आगे बढ़ जाएगा एक एक, देखो एक x-3 x-3 आगे बढ़ गया, एडवांस करूँगा पीछे चला जाएगा, समझ पाएंगे नहीं, क्लियर हुआ। चलो अब इसको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपके, आपको ये सिग्नल देगा, अब पूछेगा कि एक्स ऑफ -t+1 क्या है। तो देखो माइनस सब इस धीरे धीरे करेंगे, पहले क्या करेंगे, अगर इसमें क्या है लोग क्या करते हैं, -t पहले कर देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से जब सिग्नल बनाते हैं तो हमें ये हमारा गलत होता है, क्यों गलत होता है देखिए आगे पढ़ाऊंगा। अगर इस तरीके पहले माइनस कर दोगे फिर प्लस करोगे तो इस तरीके का आएगा जो कि गलत होगा। तो पहले क्या करेंगे उसके बारे में देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देखिए तो ये गलत हो रहा है ना जी। तो पहले अगर इसको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले स्केलिंग करना पड़ेगा फिर शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ पाए। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल के बाद ये सब टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा मैं। आज आज के यहाँ तक क्लियर होगा, जो बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने बताया था सब क्लियर हुआ, स्केलिंग शिफ्टिंग ये सब क्लियर है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा इसके आगे, ठीक है। इसके बाद जीएस की क्लास होगा,